तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है धीरज कुमार सिंह, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है डीएन एडिटर। तो फाइनल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में शेर के साथ फोटो एडिटिंग सिखाएंगे आप लोगों को हाई क्वालिटी में, कुछ इस टाइप का। फ्रेंड्स, हाई क्वालिटी में आप लोगों को इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे आप लोगों को। पिक्सआर्ट और एंड लाइटरूम से सिखाएंगे, लाइटरूम से कलर एडिटिंग करना और पिक्सआर्ट से बैकग्राउंड चेंज करना सिखाएंगे हाई क्वालिटी में, कुछ इस टाइप का। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा मॉडल का फोटो है, इसका जो बैकग्राउंड है फ्रेंड्स, इसका जो बैकग्राउंड है वो इरेज करके रखे हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। और इसका सिंपली फ्रेंड्स, ये मेरा बैकग्राउंड है फ्रेंड्स, ये बैकग्राउंड है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों को अगर ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, उसमें जाके मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस वाले फोटो को आप लोगों को क्या करना है, बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में सेव कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स, आप लोगों को इस वाले बैकग्राउंड को जो है शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको पिक्सआर्ट में शेयर कर देना है। तो यहाँ से पिक्सआर्ट ढूंढेंगे, ये रहा पिक्सआर्ट, तो पिक्सआर्ट में ओपन कर लेंगे। तो सिंपली फ्रेंड्स, पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऐड हो चुका है। और सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना जो बैकग्राउंड, ये मॉडल का जो फोटो है, यहाँ पे ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो ऐड करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ऐड करने के लिए सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा ऐड फोटो का ऑप्शन, ऐड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका जो भी मॉडल का फोटो रहेगा यहाँ से चूज कर लेंगे यहाँ पे। तो ये रहा मेरा मॉडल का फोटो। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ से कर लेंगे ऐड, यहाँ पे दिखा लेते हैं आप लोग, यहाँ पे कर लेंगे ऐड। ऐड करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ से इसको क्लिक करके, सॉरी फ्रेंड्स, नो, यहाँ से क्लिक करके फोटो को जो है थोड़ा रोटेट कर लेंगे इधर से, इधर साइड। उसके सिंपली फ्रेंड्स एडजस्ट करके यहाँ पे आप लोगों को बैठा लेना है। सिंपली फ्रेंड्स एडजस्ट करके बैठाने का सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से इसको भी थोड़ा माइनस करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, इसको भी थोड़ा माइनस कर देंगे। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे जो है ब्रश को धीरे धीरे नीचे से थोड़ा चला लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो फोटो है वो रियलिस्टिक लगने लगेगा। तो धीरे धीरे चला लेंगे। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स इतना होने के बाद आप लोग यहाँ से कर लेंगे डन। डन होने के सिंपली फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप लोगों को शेडो लगाना है। शेडो लगाने के सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे शेडो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, शेडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फोटो के हिसाब से आप लोग शेडो लगा लीजिएगा। इससे आपका क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो फोटो है वो रियलिस्टिक दिखने लगेगा। तो सिंपली फ्रेंड्स इतना होने के बाद यहाँ से कर लेंगे डन। डन होने के सिंपली फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं, मेरा जो पहला ये है वो बैकग्राउंड जो है ऐड हो चुका है, मॉडल का फोटो बैकग्राउंड में। और सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे हम लोगों को, अब कलर एडिटिंग करना है बैकग्राउंड में। तो कलर एडिटिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना होगा, इस वाले फोटो को जो है वो लाइटरूम में शेयर करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स लाइटरूम में मिलते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को जो भी नॉर्मल फोटो रहेगा उस वाले फोटो को आप लोगों को लाइटरूम में ओपन कर लेना है। यहाँ पे कर चुका हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग, पे कर चुका हूँ। उसके लिए सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा लाइट को मैचिंग करना है। तो लाइट मैचिंग करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सॉरी फ्रेंड्स ये ज़्यादा ये हो गया, अरे यार, लाइट मैचिंग करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसका सिंपली फ्रेंड्स ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा माइनस कर देंगे, हाईलाइट को भी थोड़ा माइनस कर देंगे, शेडोज को थोड़ा माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, व्हाइट को उसको थोड़ा माइनस कर देंगे, ब्लेस को थोड़ा माइनस कर देंगे। उसका सिंपली फ्रेंड्स इतना हो चुका है कम्प्लीट।
उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स कलर एडिटिंग करेंगे। तो कलर एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइट रूम में कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे जो कलर दिख रहा है यहाँ पे अपने फोटो के हिसाब से रखिएगा आप लोग। इसको इतना रखेंगे। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा तबीयत खराब हो गया, तो वॉइस में अगर कोई भी दिक्कत आ रहा हो थोड़ा छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। और वीडियो को जो है फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स, आप लोग नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। तो इतना होने के बाद अपना जो कलर है उसको अपने फोटो के हिसाब से आप लोग बढ़ा लीजिएगा। इसको भी थोड़ा बढ़ा देंगे, इसको भी थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे मिक्स टूल दिख रहा होगा, मिक्स टूल पे क्लिक करेंगे और जो ब्लू वाला कलर है इसको अपने शर्ट का जो कलर देख सकते हैं फ्रेंड्स और बैकग्राउंड का चेंज होता है, तो इसका इतना रखेंगे, इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स इसको इतना रखेंगे। तो सिंपली फ्रेंड अपने फोटो के हिसाब से रखिएगा, आप लोग कलर मैच कर लीजिएगा यहाँ से अपने फोटो के हिसाब से रखिएगा। इतना हो जाने का सिंपली फ्रेंड्स यहाँ से कर लेंगे, इस फेस पर थोड़ा ये देना है, वाइट करना है, देख सकते हैं यहाँ से कर लेंगे सिंपली फ्रेंड्स डन। डन करने का सिंपली फ्रेंड्स इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, उसके बाद इसको भी थोड़ा माइनस कर देंगे, इसको थोड़ा माइनस कर देंगे, उसका सिंपली फ्रेंड्स इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। तो सिंपली फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो फोटो है वो तैयार हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं तैयार हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें अगर ये वाला बैकग्राउंड आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को जो बैकग्राउंड है वो मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में और न्यू ट्यूटोरियल के साथ।